नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, इलाज में कारगर अन्य दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए जौनपुर पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को SPCD डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में कई दुकानों पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। चेकिंग के दौरान दुकानों का स्टॉक व रजिस्टर का मिलान किया गया। स्टॉक रजिस्टर न दिखाने पर एक ऑक्सीजन गैस सप्लायर को नोटिस जारी की गई। पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर करीब 15 ऑक्सीजन गैस एजेंसियों व मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। होम गैस सप्लायर एजेंसी पर चेकिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, मगर स्टॉक रजिस्टर दिखाने और आपूर्ति किए गए सिलेंडर का विवरण नहीं दिखाया जा सका। इस पर ASP ने औषधि निरीक्षक को सूचित करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उधर जिला अभिहित अधिकारी डॉक्टर VP मिश्र के निर्देश पर नगर की कई दवा की दुकानों पर जांच की गई। सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी सहित अन्य दवाएं अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत पर टीम ने 10 से अधिक दुकानों के खरीद बिक्री के रिकॉर्ड संभाले। मौके पर मिले ग्राहकों से भी पूछताछ की। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय ने विक्रेताओं को हिदायत दी कि वे ऐसे हालात में कालाबाजारी या जमाखोरी न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मेडिकल स्टोरों का आपने निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी जनता के द्वारा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और कुछ लोगों द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूरे जनपद में 15 स्टोरों पर छापेमारी की गई है, जिसमें इसके बारे में पता लगाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा इसके लिए मना किया गया, फिर भी संबंधित विभाग से वार्ता करके उनको रिपोर्ट भेजी जा रही है और अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ऑक्सीजन सिलेंडरों की जहाँ पे रिफिलिंग होती है, वहाँ भी आपने सर छापेमारी की, वहाँ पे क्या दिशा निर्देश दिए? यहाँ इस जनपद में कई दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कालाबाजारी हो रहा है। इसी पे आज टीम बनाकर 15 जगह पूरे जनपद में छापेमारी की गई ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए। उसमें से कुछ दुकानों द्वारा जब उनसे पूछा गया तो स्टॉक रजिस्टर भी नहीं दे पाए और न ये बता पाए कि किसको दिया, किसको इशू किया है, किसके आदेश पे। इस संबंध में भी संबंधित विभाग को रिपोर्ट बनाकर अवश्य विधि कार्रवाई कराई जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।